इस मोबाइल में कमलक ट्यूशन चला जाइयो और वहां से आके दादा को परेशान मत करियो। मैं जा रहा हूँ काम से, मुझे आने में लेट भी हो सके आज रात को। सुन रहा है ना? अबे हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अब हाँ एक मिनट रुक जा, पापा कुछ कह रहे हैं। पापा क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ ट्यूशन चला जाइयो और अपने दादा को परेशान मत करियो। ठीक है पापा। और एक काम कर, देख बाहर जाके देख, तेरे दादा अगर सो रहे हो तो उनके मंडल में से एक बीड़ी निकाल के लेके आ, जल्दी जा। मोबाइल में इतना मगन रहे, जवाब भी ना देता हाँ या ना में। पापा बीड़ी मंगवा रहे हैं। अरे जला के दे दू ये, यही वाली पी लेगा मेरे ससुरे। ए पापा तुम पागल हो रहे हो क्या? मैं ना पीता हूँ बीड़ी? बीड़ी चल बे, जाके काम कर, जब देखो मेरे पे इल्जाम लगाता रहे। पापा देखो दुआ करना, आज जाता रहा हूं मैं, कहीं पे काम लग जा मेरा, क्योंकि माँ बाप की दुआ लेनी भी बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हारी दुआ के बिना कुछ भी ना हूं मैं, तुम्हारी दुआ लग जाएगी तो मेरा काम भी लग जाएगा। देख भैया नू कह रहे हैं औलाद निखट्टू हो नाकारा हो, खावे ना कमावे ना, फिर भी अपने माँ बाप को बुरी थोड़ी लगे। तुझे हमने पैदा करा, तुझे जन्म दिया, पाला पोसा है, हम तो तेरे लिए खूब दुआ करें भैया, तू अपना खाए कमाए खुश रहे। पापा मैं तो खुद ये चाहता हूँ, खाली मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी फैमिली खुश रहे। अरे भैया तू पूरी फैमिली का ठेका मत ले, तू पहले अपनी बहू को मना ले जो तेरे निखट्टूपन की वजह से तुझे छोड़ के भाग गई। अरे तुमसे तो बात करनी ही बेकार है बुढ़ऊ, जा रहा हूँ मैं। रुक बैठ एक मिनट को, देख तू मेरी औलाद है, मैंने सदा तेरे लिए तेरे अच्छे की दुआ करी है, तू आज जा रहा है काम की तलाश में, मैं दुआ करूँ तुझे काम मिले, और देख अगर जैसे ना मिले ना, ना बात बने तो ये बिरजपुरी का नाला ना है। हाँ ये गंदा वाला नाला जो है, अगर नौकरी ना लगे किसी वजह से बात ना बने तो उसमें डूब के मर जियो, घर मत ही हो जा। मैं बुढ़ाऊ तुमसे तो वाकई बात करनी बेकार है, जा ही रहा हूँ मैं, क्या बैठ रहा हूँ तुम्हारे पास यहाँ। पोते बस ऊपर वाले आज मेरे कहीं काम की सेटिंग करा दे, मैं तो परेशान ही आ लिया। उधार बिल्कुल ही बंद है चाचा, उधार बंद कर दिया क्या बिल्कुल ही? हाँ भैया उधार बिल्कुल ही बंद है। अच्छा चाचा ठीक है, चाय के पैसे लिख देना। ठीक है भैया। चाचा उधार तो बंद है बिल्कुल ही, सिर्फ आपके लिए बंद है उधार। आवश्यकता है कुशल सेल्समैन की, पता गली नंबर 14। भाई ये गली नंबर 14 कहाँ पड़ेगी? गली नंबर 13 के बाद और गली नंबर 15 से पहले। ठीक है भाई, लेकिन एक मिनट, अबे भैंस के फूफा ये गली नंबर 13 और गली नंबर 15 कहाँ है? गली नंबर 13 गली नंबर 12 के बाद पड़ेगी और गली नंबर 15 16 से पहले। अबे भैया सीधा सीधा जवाब दे दे यार, मोबाइल में ही लगा रहेगा, मेरी नौकरी का सवाल है। तेरी नौकरी के चक्कर में मैं मोबाइल में गेम भी ना खेलूं है? रुक जा अभी, लूडो और सांप सीढ़ी खेल के जवाब दूंगा, कहीं तेरे चक्कर में मैं अपना इनाम मिस कर दूं। गेम इनाम? भाई समझ नहीं आया यार, खेल के इनाम जीतोगे? इंडिया का अपना गेम जुपी नहीं सुना क्या, जहाँ स्किल दिखाकर प्राइज जीत सकते हैं सिर्फ 1 रुपए से स्टार्ट करके, और 10 मिनट वाली गेम जैसे लूडो स्नेक एंड लैडर खेल के लाख्स में विन कर सकते हैं। भाई फिर मुझे इस गेम की लिंक क्यों नहीं देता? अरे तू खुद डिस्क्रिप्शन के लिंक से या zuppi.com से डाउनलोड कर ले और पा ले 10 रुपए का साइन अप बोनस, और विनिंग अमाउंट को UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉ कर लियो या अपने बैंक अकाउंट में, ये 100% सेफ और सिक्योर है, और साथ ही TDS और GST का कैशबैक भी मिलता है, यहाँ 7 करोड़ प्लस एक्टिव यूजर भी है। अभी करता हूँ भाई, लेकिन भाई यार मुझे 14 नंबर गली का पता बता दो, देखना मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। अबे ये सामने वाली 14 नंबर गली। अच्छा। और सुन ये जिस दुकान का पर्चा वो मेरी दुकान है, चल मैं ही लूंगा इंटरव्यू। आ जाओ भाई यार, ये तो मजा ही आ गया, चल आ जाओ। लिख लेना मेरे पैसे भी। आजा भी आजा, जल्दी आ जल्दी, दुकान खाली छोड़ के आया हूँ, कभी कोई आके दुकान पे अपना बोर्ड टांग दे और अपनी बना ले दुकान, और मालिका ने आंख जता के काम दिया। हाँ जल्दी आ। आवश्यकता है कुशल सेल्समैन की, अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। अरे कहाँ जा रहे हो, ये तो रही दुकान। अबे ये मेरी दुकान नहीं है, मेरी दुकान ये वाली है, लेकिन जरूरत तो मेरे ख्याल से इन्हें भी है, देखो अर्जेंट अर्जेंट लिख रखा है इन्होंने। बस किसी की बात चल।
भाई कुशल सेल्समैन की जरूरत थी आपको। किसने कही भाई? ये भाई बाहर पर्चा लगा रखा है ना आपने। ये मालिक भी बिल्कुल पागल ही दिख है। जब पता मैं आ गया यहाँ पे सेल्समैन पे, पता नहीं पर्चा क्यों चिपका रखा। भैया तू कहीं और देख ले, यहाँ मेरी नौकरी लग गई। अच्छा आपकी नौकरी लग गई यहाँ पे, ठीक है भाई। भाई यार तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बढ़िया दुकान है, अकेले सारा काम कर रहे हो, कोई सेल्समैन रख लो। अरे अभी ला रहा हूँ मैं अपने साथ एक को सेल्समैनिंग के लिए ही। साले ने सामने वाले की दुकान का पर्चा पढ़ लिया, चला गया उधर इंटरव्यू देने। आ रहा होगा अपनी मुंह की सी खा के अभी। भाई अरे देखो ये 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 ये, ये। क्या हुआ, रखा ना नौकरी पे उसने? नहीं 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 मैं गया था वहां पे और उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, उसके बाद होने लगा मैं कुछ ज्यादा ही कुशल हूँ और मैं तनख्वाह भी कुछ ज्यादा ही कुशल लूंगा। अच्छा फिर? अरे भैया तू जा, तू कैसे खड़ा जा। फिर उन्होंने यूं कह दिया, तू भैया जा कहीं और काम देख ले। कितनी कुशल तनख्वाह लेगा बता? तनख्वाह तो मैं 7,000 में भी काम कर लूंगा और सुनो फटी इतनी है कि 5,000 में भी कर लूंगा। चल ठीक है 5,000 रुपए दूंगा, एक बार ट्रायल दे दे बेटे। हाँ ठीक है आ जाओ। भाऊजी बहुत पढ़ा लिखा कुशल सेल्समैन मिल रहा है तुम्हें, तुम बहुत नसीब वाले हो, मेरे जैसा सेल्समैन तुम्हारी दुकान पे आएगा काम करने के लिए। सही कह रहा, ले सफाई का पार्ट टू और कर दे। पोछा मार। पोछा मारना इज माई फेवरेट वर्क। भाऊजी झाड़ू भी लगा दिया और पोछा भी लगा दिया, अब खड़ा हो जाऊं काउंटर पे जाके? काउंटर पे खड़ा होके क्या करेगा भाई, कस्टमर आएंगे उन्हें कपड़े भी तो दिखाने हैं ना भाऊजी। अबे भैया कस्टमरों को कपड़े दिखाऊंगा मैं, तेरा काम है सिर्फ यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगाना। बस यहाँ पे मेरे को परमानेंट झाड़ू पोछा लगाने, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी भाऊजी? कस्टमर आएंगे मुझे झाड़ू पोछा लगाता देखेंगे, मेरी तो नाक कट के गिर जाएगी उनके सामने। ओफो इज्जतदार नकीले, अपनी नाक कट के मत गिरने देना। एक काम करो कहीं और जाके नौकरी देखो जो तुम्हें तनख्वाह से पहले इज्जत दे। जा रहा है क्या? बाहर जीना गंदा पड़ा है उस पे झाड़ू ना मारू क्या? और सुनो इतनी फटी है मेरी कि मैं ये काम भी कर लूंगा। बहुत बढ़िया, नौकरी पक्की तेरी, कल से आ जाओ टाइम से। ठीक है ये रही झाड़ू, ठीक है मैं चल रहा हूँ। सुन जाता जाता एक काम और कर दे, देखिए कूड़े की पिन्नी है नीली वाली, इसे जाता हुआ ना नाले पे फेंकता जाइयो। मतलब अब कूड़ा भी मुझे फेंक के आना पड़ा करेगा? कुछ कह रहा आ गया? अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसी क्या करें, तेरी गलती ना है, कूड़ा फेंक के बनना है रईस के शाहरुख खान। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जुप्पी पर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलो और लाखों में जीतो, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। डाउनलोड करो zuppi.com से या मेरे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से।